हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फातिमा जीवन ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपसे चर्चा करने वाले हैं अपने फेस पर हम क्या लगाते हैं वीकली। आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, तभी आपको जानकारी हो पाएगी। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भूल जाते हैं, वीडियो देखते देखते चले जाते हैं। अगर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम आपसे बात करते हैं। हमें लेना होगा एक लीव एलोवेरा, देख लीजिए ये एकदम फ्रेश है, अभी की है। इसको धुल लीजिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इसको नीचे वाला भाग हम कट कर देते हैं, जो पीला रहता है इस तरह। इधर का भाग भी इस तरह हम कट कर देते हैं, देख लीजिए। इनके कांटों को भी निकाल देते हैं साइड से। ये कांटे हमारे फेस पर लग सकते हैं, ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे निकाल देना है। इधर से भी इन कांटों को निकाल देना है ऐसे, देख लीजिए। इसको ऐसे ही हटा देते हैं ऊपर से, ये देखिए इस तरह। इसको अलग कर दीजिए, इसको छोटा कर लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। अब देख लीजिए इसका पल्प कितना अच्छा है। ये हमारे फेस को बहुत स्वस्थ बनाता है, बहुत अच्छा रखता है। देखिए इस पर हम क्या लगाने वाले हैं। हमको चाहिए शुगर यानी कि चीनी। हम इस डिब्बे में पिसी हुई चीनी रखते हैं अपने फेस पे लगाने के लिए। चीनी को बारीक पीस कर रखना होगा। इसको बड़े दाने में अगर चीनी रहेगी तो हमारे फेस पर कट सकता है। ये देखिए इस चीनी को इसमें हम फैला लेंगे ऐसे ही, इस तरह, देख लीजिए। आप इस पे हल्दी भी एक पिंच फैला सकते हैं इसी के ऊपर, अगर आपके फेस को हल्दी सूट करती है तो। अगर नहीं सूट करती है तो उसे छोड़ दीजिए, हम नहीं लगा रहे हैं। हमारे फेस को हल्दी नहीं सूट करती है। अगर लगाना तो कसूरी हल्दी ही लगाना, किचन वाली हल्दी नहीं लगाना, ये हमारे फेस को नुकसान करती है। कसूरी हल्दी हमारे फेस के लिए ही होती है। चलिए इसको एक मिनट के लिए हम ऐसे रख देते हैं। अब हमें चाहिए थोड़ी सी कॉटन रोज़ वाटर अपने फेस को साफ़ करने के लिए। कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले अपने फेस को क्लीन किया जाता है, देख लीजिए इस तरह। फेस की सारी गंदगी इस कॉटन में आ गई है। अब हम देखिए कैसे इससे मसाज करते हैं अपने फेस पर। इस तरह अपने फेस पर ऐसे ही मसाज करेंगे। घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमने फेस को धुल लिया है, मेरा फेस क्लीन हो गया है। धुलने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा एलोवेरा जेल इस तरह अपनी हथेली पर, देख लीजिए। और क्या लेना होगा, ये बादाम तेल बहुत थोड़ा सा, बस दो ड्रॉप इस तरह, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा चाहिए। देखिए इसको अपनी हथेली में इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अपनी हथेली में ऐसे ऐसे रगड़ लीजिए, ये गर्म हो जाए बस। इससे हमको अपने फेस पर मसाज करना है। किस तरह मसाज करना है देखते रहिए ऐसे ही। हमने आपको बताया है इस तरह आपका हाथ चलना चाहिए जैसे हमारा चल रहा है ऐसे ही। मसाज 5 मिनट करना है।
ऑरिजिनल मसाज करने के बाद अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देना है। हम तो दिन में दो बार करते हैं, इस तरह आप कैसे करते हैं आप भी इसको दो बार किया करें। अगर लगाना है तो आपके पास टाइम है तो तीन बार भी लगा सकते हैं। हम तो वीकली यही यूज करते हैं और कुछ नहीं यूज करते हैं। और आपको पता है अपना शरीर और फेस स्वस्थ रखने के लिए हमें भरपूर पानी पीने की ज़रूरत है। सब्जियाँ खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ, तली हुई भुनी चीज़ों से दूरी बना के रखें और तनाव से मुक्त रहें। बस आज की वीडियो इतनी ही, फिर मिलते हैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ।